हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम ओरियो बिस्कुट से टेस्टी और हेल्दी आइसक्रीम बनाएंगे। यहाँ मैंने एक पैकेट ओरियो बिस्कुट का लिया है आइसक्रीम बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइसक्रीम बनाना। सबसे पहले हम सारे बिस्कुट को निकाल कर उसे इस तरह से मिक्सी के जार में डाल देंगे। देखिए पूरा पैकेट हमें डालना है। सभी बिस्कुट के दो दो टुकड़े हम यहाँ कर लेंगे ताकि ये आसानी से पिस जाए। अब हम इसमें 4 टीस्पून शुगर डालेंगे। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप 4 टीस्पून की जगह 2 टीस्पून शुगर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से 4 टीस्पून शुगर मैंने इसमें डाल दी है। हम मिक्सी के जार को बंद कर देंगे और इसे पीसकर इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सभी बिस्कुट अच्छे से पिस चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कितना फाइन पाउडर इसका बना है। अब हम इस बिस्कुट के पाउडर में 1 कप दूध डालेंगे। दूध यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर पर ही लिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्ब्स ना रहें। अच्छे से चलाते हुए हमें मिक्स करना है। ये फ्रेंड्स, हमारा आइसक्रीम का बैटर एकदम रेडी है। दूध और बिस्कुट का जो हमने बैटर रेडी किया है ये आप देख सकते हैं। अब हम इस तरह से कोई आइसक्रीम मोल्ड्स लेंगे। अगर आपके पास आइसक्रीम मोल्ड्स नहीं है तो आप इसे कप में या किसी कंटेनर में भी आप इसे जमा सकते हैं। इस तरह से मैं इसमें ये आइसक्रीम बैटर फिल कर दूंगी। ये देखिए आइसक्रीम का बैटर फिल कर दिया है। अब इस तरह से हम इसे ढककर बंद कर देंगे अच्छे से। ये देखिए से 12 घंटे के लिए इसे फ्रिज में जमने के लिए रख देंगे। बस 10 से 12 घंटे हो चुके हैं और हमारी ओरियो आइसक्रीम भी बनकर एकदम रेडी है। ये देखिए मैं आपको निकाल के इसे दिखाती हूँ। ये देखिए ये आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी और कितनी परफेक्ट ओरियो चॉकलेट आइसक्रीम हमारी बनकर रेडी है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी हमारी आइसक्रीम बनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।